Good morning viewers, welcome to Maverick Vlog. Today I am going to share with you the all experience about Dudh Sagar Waterfall. This video can be little lengthy, but I damn sure you guys all will enjoy the whole video. Video ko end tak dekho, just check it out. Hey viewers, so abhi hum pahunch gaye already Pune station pe aur mere saath Abhishek bhi aa gaya. Baki do log abhi pata nahi, shayad wo log train ke andar chala gaya. To abhi hamara train jo hai ye 5:10 se Pune station ke liye hai और पुणे से हम लोग जा रहे हैं कुलेम. कुलेम पे पहुँचेंगे सुबह आई थिंक 5 बजे ना. हाँ 4:30 to 5 o'clock वी विल रीच ऑन पुणे स्टेशन. चलो लेट्स चेक. हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग. अभी बज रहे सुबह के 5:30. हाँ अभी हम पहुँच गए कुलेम स्टेशन पे. पुणे से डायरेक्ट कुलेम पे फ्लाई करके नहीं आया, ट्रेन से ही आया था. एनीवेज तो अभी यहाँ से मुझे गाइड लेना पड़ेगा और गाइड के साथ ही मुझे जाना पड़ेगा वो दूध सागर पे. ये बप्पा ना तब से ये मजाक कर रहा है इधर पे. बप्पा है, बप्पा बाय द वे बप्पा आप लोग जानते होंगे, लास्ट ब्लॉग में भी बप्पा था. ही केम फ्रॉम कोयम्बतूर, कोयम्बतूर से बेंगलोर आया, बेंगलोर से अभी इधर आया. एनीवेज बाकी दो लोग पीछे है और संदीप ना टॉयलेट पे गया. कहीं पे तो एक टॉयलेट है, उधर पे संदीप गया. सो अभी मैं स्टेशन से बाहर आ गया और मतलब स्टेशन से आपको बाहर आने के बाद ही ना एक छोटा सा चर्च मिलेगा विच इज़ बिहाइंड ऑफ मी. एंड ये जगह से आपको बेसिकली आपको दैट गाइड्स यू विल गेट इट. सो मेनी गाइड्स विल बी देयर. तो मेरा वैसे गाइड अभी लेना नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी कॉन्टेक्ट दैट पर्सन टू हुम आई एम टेकिंग एज अ गाइड. वो बस आने ही वाले, तो तब तक सोच रहे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट के बाद ही हम लोग चालू करेंगे. या सो यू ऑलरेडी स्टार्ट आर ट्रेकिंग. ये अभी जो हम लोग जा रहे हैं ना, ये रेलवे ट्रैक है. तो शायद मतलब 4 या 8 किलोमीटर ऐसे रेलवे ट्रैक है, उसके बाद रहेगा जंगल ट्रैक. मतलब हमारे गाइड ने जो बताया, गाइड सामने आ गए हैं और बाकी लोग हैं पीछे पीछे. वो देखो उसके भी आ गया है गाइड और मेरे पीछे पापा और अभिषेक भी है. वैसे अभी मतलब मौसम तो अच्छा है, आई डोंट नो धीरे धीरे कैसा होते जाएगा, बट आई विश कि बारिश ना हो जाए आज. चलो देखते हैं. गाइज अभी जो मॉर्निंग का जो मतलब एटमोसफियर जो है ना, बहुत मस्त है. आई डोंट नो यू गाइज कैन लाइक लिसन और नॉट. वो जो साउंड जो है ना, पंछी देन वो फ्लाइज वगैरह जो है कीड़े मकोड़े उन लोगों का जो मतलब उस सब का जो आवाज़ जो है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है. एकदम अलग ही फील आ रहा है, एकदम फ्रेश मॉर्निंग. एग्जैक्टली फ्रेश मॉर्निंग वाला फील, सीरियसली वी एंजॉयिंग राइट. एग्जैक्टली कुछ ज़्यादा सा ही लंबा रेलवे ट्रैक के बाद अभी हम लोग जंगल में आए. तो अभी शायद हाँ अभी से वो गाइड भी बोला कि जंगल ट्रैक है. अभी रास्ता अच्छा है जंगल ट्रैक का फ़िलहाल के लिए. सी अच्छा है रास्ता, मतलब वैसे शायद गाड़ी भी आ सकता है, बट बारिश हो रहा था थोड़ी देर पहले इसलिए रेनकोट पहन के रखे थे. बहुत गर्मी लग रहा है अभी, बारिश भी बंद हो गया, सब कुछ निकाल लिया. देखते हैं जंगल ट्रैक, जंगल का व्यू भी वैसे बहुत मस्त है. कंसर्न आई डू हैव विच आई वांट टू शेयर विद यू. जंगल में जब आ रहे हो ना गाइस, ऐसे प्लास्टिक वगैरह जो देखो ऐसे ला रहे हो, ठीक है रैपर ला रहे हो, बट कैरी विद यू ओन बैग ना, क्यों ऐसे ख़राब करना है. एकदम मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूरा नेचर है, इसके साथ ख़राब करके क्या ही मिलेगा तुम लोगों को.
तो अच्छे मतलब क्लीन रखने का कोशिश करो, तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता। अगर आपको दिख भी रहा है ना, पैक को उठा लो, उठा के अपने साथ रख दो और उसको मतलब जहाँ डस्टबिन मिलता है ना उधर फेंक दो। मैं भी वही करता हूँ, मुझे भी एकदम पसंद नहीं है। हे अभी भी शायद पता नहीं कितना दूर आए, वो तो आई डोंट नो, बट चल रहे, चलते जा रहे ऐसे। या बाय द वे गाइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई हैव स्पोक विद माय गाइड, ही इज़ कृष्णा जी। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारे गाइड है कृष्णा जी। मैं आप लोगों के साथ इनके नंबर जो है मैं शेयर कर दूंगा। हाय बोल दो कृष्णा जी। हाय सर। चलो मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, ही इज़ सीरियसली वेरी गुड गाइड। आप लोगों को मैं जब नंबर दे दूंगा, आप लोग जब भी आओगे दूसरा अगर उनके साथ कॉन्टेक्ट करो, ही विल गाइड यू वेरी वेल वे एंड ही विल हेल्प यू। आप लोगों को जाते जाते ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिवर्स क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सी देखो इसमें ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, वैसे बाकी रिवर्स में थोड़ा सा कम था। और यहाँ से बहुत सारे ना छोटे छोटे वाटरफॉल भी दिखेगा, यहाँ से जाते जाते ना वैसे वाटरफॉल बन के जाता है, बड़ा नहीं है छोटा है, बट देखो कैसे वो लोग जा रहे हैं। अभी ना मैं गौरव का वीडियो कैप्चर करने वाला हूँ क्योंकि वो उसने बहुत ब्लूपर ले लिया। या गौरव बेस्ट ऑफ लक। हाँ जंगल के अंदर ना अभी चलते चलते एक मतलब ऐसा एक्सट्रीम है जहाँ पे ऐसे आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो अभी उसके ऊपर ऐसे छोटा सा ब्रिज बना के रखा है, अभी ऐसे जाना पड़ेगा। ओहो ये देखो, और ये ब्रिज ना पता है ये जो कृष्णा जी है ना, जितने गाइड है इधर के वही लोग ने बनाया। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इधर पे एक्सीडेंट हो जाता था ऐसे क्रॉस करते हुए, क्योंकि ऐसे चेन जैसा बांध के रखा है तो इट्स रिस्की। तो अच्छा हुआ ये लोग, यू शुड से थैंक्स टू हिम बिकॉज ये भी इसका पार्ट है। तकरीबन 2.5 घंटा चलने के बाद हमको दूधसागर वाटरफॉल का छोटा सा एक नज़ारा मिला, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इतना सुंदर है ना, बाकी लोग इधर पे ऐसे खड़े हो गए फोटो लेने के लिए। चलो मैं दिखाता हूँ, दिस इज द व्यू ऑफ दूधसागर वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यू कैन सी गाइस, वो पानी जो ऐसे आ रहा है ना वाइट कलर के, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं वो एंट्री गेट पे, यू कैन सी गाइस, वो ऐसे लिखा है दूधसागर वाटरफॉल, जो कि हमारे लिए है। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ दैट। चलो अभी अंदर। हे तो अभी थोड़ा ऊपर मतलब जंगल ट्रैक के बाद ना एक ऐसा जगह आया था, ऐसा इंक्लाइन करके आना पड़ेगा, और करने के बाद हमको रेलवे ट्रैक फिर से मिला पीछे। अभी से कब मस्ती देखो यार, अभी जितने लोग थे ना सारे उधर पे थक गए यार, बस ये एक्सेप्ट अभिषेक। हाँ हमारे गाइड उधर गया है शायद, मतलब हम लोग वो ब्रिज पे जाने के लिए उनको बोले थे, तो उसने बोला कि अभी मैं जाके देखता हूँ, उधर पे गार्ड वार्ड रहता है, उनको थोड़ा सा बात करना पड़ता है, तो इसलिए जाके वो गया है। तब तक मैं सोचा कि इधर पे वेट कर लेता हूँ। Now I'm going to enter that tunnel जो हर दूधसागर व्लॉग में आपको दिख जाएगा, मेरा भी देखो। वो है ये वाला टनल, अभी इसके अंदर जाने वाले। वो बट व्यू जो है ना भाई मस्त है, awesome है ये देखो। Thank you.
इतना मजा किया ना भाई, अभी एकदम अम्ब्रेला इसलिए लिए कि पानी इतना जोर के आ रहा है, इसलिए बाकी लोग उधर है, कहाँ पे उधर है, बहुत व्यू भाई मस्त है, खतरनाक है। अभी ना रास्ता थोड़ा ऐसा है क्योंकि हम लोग ऊपर जो रेलवे का ब्रिज था उधर से नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के नीचे तक, वी विल ट्राई टू गो डाउन, बट रास्ता हमारा अच्छा है नहीं या एग्जैक्टली हाँ, ट्रैकिंग शूज़ कैरी करो जो मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ। मैं अभी फ़ोन ऐसे पकड़ के ना नीचे नहीं जा सकता तो मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा। जाने के लिए ना हमको एक ऐसा एक छोटा वाटरफॉल मिला जिसके ऊपर से हमको ऐसे चलना पड़ रहा है, इट्स रियली वेरी स्लीपरी। लोग तो ऐसे जा रहे हैं, पता नहीं मैं कैसे जाऊंगा, या इट्स स्लीपरी। अभी हम आए दूध सागर के वो जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जहाँ से आपको वो आपको उधर में ब्रिज दिख रहा होगा, ब्रिज से हमने एकदम नीचे आए क्योंकि वो मतलब बीच में मैं दिखाया था जो ऐसे ट्रेल था उधर से हमने नीचे आए। बेसिकली आप लोग वो ज़्यादा लोगों को आ नहीं सकते, स्पेशल थैंक्स टू कृष्णा जी क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब ऐसे बताया कि मैं तुमको नीचे तक लेके जाऊँगा। दिस इज़ द एग्जैक्ट व्यू और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है, पूरा व्यू, और इट्स अमेजिंग मैन। अभी लग रहा है कि दूध सागर का जो ट्रैक होता है ना, इट्स टोटली मतलब अभी कंप्लीट हो गया ऊपर से नीचे तक देखने के बाद। सी